हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आपको टैक्सिम ओएफ टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एलोसन एसटी क्रीम के बारे में। इस क्रीम के बारे में भी आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, जैसे इस क्रीम के अंदर क्या क्या कंटेंट्स ऐड किए गए हैं, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितने दाम पर ये क्रीम आपको मिल सकती है और इसके यूजेस क्या हैं, किन किन प्रॉब्लम को ये क्रीम ठीक करती है, कौन कौन सी परेशानियों को ये क्रीम ठीक करती है, यूज़ करने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको इस्तेमाल करना है, इस क्रीम को लेकर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है इस क्रीम का यूज़ करने से पहले, तो इन सब बातों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। मेरा नाम शिवपाल कुमार है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्रीम के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें तीन दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, तीन ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है। पहली है हाइड्रोक्विनोन जो कि 2% है, दूसरी है ट्रेटिनोइन जो कि 0.025% है, थर्ड है वो है मोमेटासोन फ्यूरेट जो कि 0.1% की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो लिपोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी का ये ब्रांड है। प्राइस के बारे में बात की जाए तो ₹125 पर 15 ग्राम क्रीम का प्राइस है। ये एक जेनरिक ब्रांड है, आपको MRP से कम दाम पर भी आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, किन किन प्रॉब्लम को ये क्रीम ठीक करती है। ये क्रीम मेलाज्मा की प्रॉब्लम को ठीक करती है, मेलाज्मा के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को ठीक करती है। इसके अलावा ये क्रीम आँखों के नीचे होने वाले घेरे को ठीक करती है, काले दाग धब्बे को ठीक करती है, काले निशान को ठीक करती है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम को ठीक करती है, जो चेहरे पर दाने निकल आते हैं उसको भी कम करने में मदद करती है। इसके अलावा कई प्रकार की एलर्जिक कंडीशन को भी ठीक करती है, जैसे एलर्जी होने लगती है, खुजली होने लगती है, रेडनेस होने लगती है, इरीटेशन होने लगती है, तो इन सारी प्रॉब्लम को भी ये क्रीम ठीक करती है। तो ये इसके यूजेस थे। अब हम बात करेंगे यूज़ करने का सही तरीका क्या है, आपको कैसे इस क्रीम का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छी तरह किसी फेस वॉश से या किसी सोप से क्लीन करना है, उसके बाद वॉश करना है, उसके बाद अच्छी तरह से ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद इस क्रीम को अप्लाई करना है और अप्लाई इस तरीके से करना है, पूरे फेस पर मसाज करते हुए लगाना है और तब तक मसाज करते रहना है जब तक ये स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो इस तरीके से अप्लाई करना है, लेकिन आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है, ये क्रीम आप केवल रात में यूज़ कर सकते हैं, दिन में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि दिन में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सनलाइट आपके चेहरे को ख़राब कर सकती है, आपका चेहरा झुलस सकता है, आपका चेहरा लाल पड़ सकता है या काला पड़ सकता है। तो दिन में इस क्रीम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आप केवल रात में यूज़ कर सकते हैं, सोने के आधा घंटे पहले या एक घंटा पहले यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लगाना है। अब हम बात करेंगे इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्रीम के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, जैसे एलर्जी कंडीशन हो सकती है, किसी को रैशेस पड़ सकते हैं, इरिटेशन की समस्या हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन की समस्या हो सकती है, स्किन का कलर चेंज हो सकता है, स्किन में रेडनेस आ सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, इसके अलावा स्किन थिनिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब स्किन आपकी पतली पड़ सकती है अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं। अब हम बात करेंगे इस क्रीम को लेकर आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। किसी भी पर्सन को अगर इस क्रीम से एलर्जी होती है तो ऐसे पर्सन को इस क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में भी आपको डॉक्टर की सलाह के बगैर इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अस्थमा के पेशेंट को भी इस क्रीम का यूज़ नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखना है, ये क्रीम 2 से 3 महीने तक लगातार आप इसका इस्तेमाल ना करें। आप 1 महीने या 2 महीने लगातार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद इसको छोड़ सकते हैं, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। रेगुलर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड क्रीम है, आपकी स्किन में डिपॉजिट होती है, आपकी स्किन को ख़राब कर सकती है, पतला कर सकती है, इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। इसको केवल आपको रात में यूज़ करना है, दिन में इसका इस्तेमाल नहीं करना, जैसा मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट है, जहां आपकी स्किन ब्रोकन है या इन्फेक्टेड है तो ऐसी जगह पर इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सब आपको प्रिकॉशंस ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।